हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। और इस वीडियो पे हम देखेंगे कि कैसे हम हमारे जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट होता है और उनके फोलियो के स्टेटमेंट एक साथ एक ही जगह हम कैसे पाए। ऐसे बहुत बार होता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमें याद ठीक से याद नहीं रहता कि कौन सी फंड पे हम SIP स्टार्ट किया है, कौन सी फंड पे हम लामसम इन्वेस्टमेंट किया है, और जो इन्वेस्टमेंट किया है ऑलरेडी वो फंड कैसे ग्रोथ दे रहा है, कैसे प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये भी रेगुलरली हम चेक नहीं कर पाते टाइम के लिए। और जो मंथली हमें कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट भेजा जाता है वो पिछले मंथ के होता है, तो इस मंथ के अपडेटेड स्टेटमेंट हमें नहीं मिलता। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि कैसे आप एक जगह एक साथ पे सभी आपके जो फंड है उस फंड के जो स्टेटमेंट होता है वो आपको मिल सके, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, और अपडेटेड जो स्टेटमेंट है वो आपको मिल जाएगा। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो नोटिफिकेशन है उसको पाने के लिए आप बेल आइकन को दबाइए। और इस अभी तक वीडियो को नहीं वॉच किया है तो प्लीज़ वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम हमारे कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट है वो हमको मिल पाए। तो स्टेटमेंट को पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपको गूगल पे लिखना पड़ेगा www.campsonline.com www.campsonline.com। कैम्स एक बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर है जो हमारे KYC, जहाँ पर हमारा KYC कंप्लायंट होता है। कैम्स के साइट पे जाने के बाद आपको इन्वेस्टर सर्विसेज यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, और लेफ्ट साइड पे देखिए यहाँ पर है मेल बैक सर्विसेज, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और थोड़ा सा नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, जो कि आपको एक साथ मिलेगा। कैम एक ही इनके कंडीशन है कि आपके जो मेल आईडी है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट पाने के लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट टाइप कैसे चाहते हैं आप, समरी और डिटेल्ड। तो अभी हम डिटेल्ड पे क्लिक किया, और पीरियड कैसा, करंट फिनंशियल ईयर, प्रीवियस फिनंशियल ईयर, स्पेसिफाइड पीरियड, तो करंट फिनंशियल ईयर सिलेक्ट किया हमने, और ऑटोमेटिकली डेट यहां पर आ रहा है कि 1/4/2017 से 3/7/2017 तक, और फोलियो लिस्टिंग कैसा चाहिए, विद जीरो बैलेंस फोलियोज और विदाउट जीरो बैलेंस फोलियोज। तो विदाउट जीरो बैलेंस फोलियोज पे यहां पर हमने क्लिक किया, और यहाँ पर आपको देना पड़ेगा आपके जो मेल आईडी है वो आपको डालना पड़ेगा। तो हमारा मेल आईडी मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, जो कि रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, पैन ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, और एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, जो पासवर्ड आपको वो प्रोवाइड करेंगे PDF फोलियो पे PDF फॉर्मेट पे। तो उसको ओपन करने के लिए ये जो पासवर्ड आप अभी दे रहे हो वो पासवर्ड को आपको तब देना पड़ेगा। तो मैं पासवर्ड दे रहा हूँ, री एंटर द पासवर्ड, और सबमिट कर दिया, इनवैलिड स्पेशल कैरेक्टर, अच्छा ठीक है। और अभी सबमिट कर दिया, देखिए रिक्वेस्ट कॉन्फर्मेशन आया है, योर रिक्वेस्ट फॉर ए कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, एंड यहाँ पर बताया गया है कि जो स्टेटमेंट है वो मेरे रजिस्टर्ड
ईमेल एड्रेस पे विद इन द आवर मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। आशा है कि इस इंफॉर्मेशन आपको हेल्पफुल होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।